जम्मू कश्मीर के जिला रियासी की अदालत में आज शनिवार को माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बेचने में शामिल 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद 4 आरोपियों को मार्च में राजस्थान से गिरफ्तार किया था, जबकि 3 को इसी माह मई में बिहार से गिरफ्तार कर लाया गया। ये सभी लोग ऑनलाइन फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बेच माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को लाखों का चूना लगा रहे थे। इन सभी लोगों ने खिलाफ फर्जी ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की शिकायतों के आधार अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। ये मामले इसी साल की शुरुआत में सामने आए थे, जब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन बुक करवाई, परंतु उन्हें यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मामले बढ़ने पर जब पुलिस ने इसकी जाँच की तो पता चला कि ये सभी टिकटें फर्जी ऑनलाइन वेबसाइट से बुक की गई थी।